स्थानीय नरसिंह घाट पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी डोल ग्यारस के अवसर पर मंगलवार को नरसिंह घाट पर भमोरी नदी में पानी की सतह पर 7.5 किलो वजनी चमत्कारिक पाषाण प्रतिमा को तैयार किया गया। प्रतिमा के तैरते ही सारा वातावरण भगवान नरसिंह के जयकारों से गूंज उठा। नमस्कार, मैं हूं माही और आप देख रहे हैं एसबी न्यूज की खास पेशकश हमारे संवाददाता संजू सिसोदिया की रिपोर्ट में। भगवान नरसिंह है गॉड ऑफ ऑनर। नरसिंह मंदिर से आकर्षक ढंग से सजाए गए डोल में पाषाण प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। नगर के सभी मंदिरों, नरसिंह मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर के डोल डॉक्टर मुखर्जी चौक पर एकत्रित हुए, जहां से अखाड़ों के साथ चल समारोह प्रारंभ हुआ। चल समारोह के दौरान जय शिव व्यायामशाला, बजरंग व्यायामशाला, श्री राम व्यायामशाला के कलाकारों ने हरतंगेज करतब दिखाए। अखाड़े, बैंड बाजे और ढोल धमाकों के साथ निकले चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शाम करीब 6:45 बजे डोल नरसिंह घाट पहुंचे, जहां सभी मंदिरों के डोल को जल में झुलाकर पुजारियों ने नदी में स्नान किया और भगवान की आरती की। नरसिंह मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल दास वैष्णव ने नदी को गंगा जल छिड़क कर पवित्रीकरण किया तथा नदी में दीपक प्रवाहित किया। नदी में पुष्पमाला अर्पित करने के बाद पुजारी श्री वैष्णव ने पाषाण प्रतिमा को जैसे ही नदी में पानी की सतह पर छोड़ा और पानी की सतह पर पाषाण प्रतिमा तैरने लगी तो सारा वातावरण भगवान नरसिंह के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु झूम उठे। पहली बार काफी देर तक व दूर तक पाषाण प्रतिमा तैरती रही। दूसरी बार भी पाषाण प्रतिमा को पानी की सतह पर छोड़ा गया तो पाषाण प्रतिमा तैरी। इसी प्रकार तीसरी बार प्रतिमा को पानी की सतह पर छोड़ा गया तो भी प्रतिमा तैरती रही। तीनों बार पाषाण प्रतिमा के पानी की सतह पर काफी देर तक पाषाण प्रतिमा तैरती रही और श्रद्धालु भगवान नरसिंह के जयकारे लगाते रहे। इस अद्भुत चमत्कारिक नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आम धारणा यह है कि तीनों बार प्रतिमा के तैरने पर विभिन्न दृष्टि से आगामी वर्ष सुख समृद्धि से भरा होता है। एक बार तैरने पर 4 माह, 2 बार तैरने पर 8 माह तथा 3 बार तैरने पर 12 माह अच्छे रहते हैं। तीनों बार प्रतिमा तैरी है जिसके हिसाब से साल के 12 माह सुख समृद्धिदायक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाषाण प्रतिमा को तैराए जाने के बाद पुष्पमाला चढ़ाने की बोली 65,000 रुपये में साईं मित्र मंडल के संजय रजावत व मनीष फुलवर ने ली। इस अवसर पर विधायक मनोज चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रकांता राठौर, अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर, उपाध्यक्ष नरभय सिंह तलाया सहित कई गणमान्य नागरिक और दूरदराज से आए श्रद्धालु उपस्थित थे। नरसिंह घाट सहित अनेक स्थानों पर चल समारोह के दौरान अखाड़े के कलाकारों का सम्मान किया गया। चल समारोह में नगर परिषद द्वारा नाचे मयूरी के कलाकारों को बुलवाया गया था, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। साथ ही नरसिंह घाट पर भजन गायक द्वारका मंत्री एवं उनकी टीम द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन में व्यवस्था बनाने में SDM आनंद मालविया, SDOP सृष्टि भार्गव, तहसीलदार संगीता गोलिया, थाना प्रभारी मंजू यादव, CMO बलराम भूरे सहित पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, राजस्व विभाग एवं नगर सुरक्षा समिति आदि का सराहनीय सहयोग रहा। भगवान तीनों बार तैरे हैं, आने वाला समय एकदम सुख दिन समृद्धशाली होगा सभी के लिए और अपना देश पूरी उन्नति करेगा। या तीनों बार तैरने का एक आकलन होता है, 2 बार तैरते तो सामान्य होता है, 1 बार तैरते तो कठिनाई वाला वर्ष होता है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि तीनों बार भगवान तैरे, अच्छे तैरे और इस प्रकार से, और ये भी उनकी महिमा है कि हवा आंधी से उन्होंने डराया, जिसे नरसिंह भगवान प्रकोप भी करते हैं और उसके बाद में शांत भी होते हैं। शांत हुए, वर्षा काल रुका, भगवान तेरे, तीनों बार तेरे, इस प्रकार की इतनी लंबी दूरी पे मेरे पिताजी तैराते थे, उसके बाद में ये उनका आशीर्वाद था, तो आज मैंने भी इस बार इतनी लंबी तक भगवान तेरे, मैंने क्या तेरा है। इस प्रकार से भगवान ने इन्हें आने वाला समय सबके लिए सुख समृद्धि वाला होगा। मेरी भी शुभकामनाएं सभी को कि सबके लिए वर्ष मंगल।
कितने वर्षों से ये कार्य किया जाए? ये 1902 से प्रारंभ हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड लिखा हुआ है वंशावली में, इस प्रकार से 1902 से प्रारंभ किया है। हाँ जी, गोपाल दास वैष्णव। प्रतिमा तैराने के पूर्व आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, पाषाण प्रतिमा को तैराए जाने के ठीक पूर्व शाम करीब 5:25 बजे हवा आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे प्रतिमा तैराए जाने को लेकर चिंता होने लगी। करीब 10 मिनट तक बारिश होने के बाद जैसे ही नरसिंह मंदिर डोल नरसिंह घाट पर पहुंचा, वर्षा का दौर थम गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली और पाषाण प्रतिमा को तैराने का कार्यक्रम विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ। इस घटना को भगवान नरसिंह के चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। इस आयोजन में पुलिस बैंड शामिल हुआ। भगवान नरसिंह को दिया गॉड ऑफ ऑनर विधायक मनोज चौधरी और इस नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर के प्रयास से पहली बार पाषाण प्रतिमा के चल समारोह में पुलिस बैंड शामिल हुआ। साथ ही पाषाण प्रतिमा को डोल में विराजित करने के बाद तथा नरसिंह घाट पर पाषाण प्रतिमा के तैराए जाने के पूर्व भगवान नरसिंह को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, जो नगर में आकर्षण और चर्चा का केंद्र रहा।